केवल प्रचार के चक्कर भर में आए कि बालाजी के बनने के चक्कर में आए? हनुमान जी को सदा सर्वदा माना है अपना। मैं वैष्णव भक्त हूँ, हमेशा हनुमान जी की प्रार्थना की है, चालीसा किया है, सदैव लोगों से भी कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपसे प्रेम सिर्फ इसलिए मैं बोला गुरुदेव मेरे, मैंने कभी किसी को गुरु नहीं माना सिवाय मेरे बड़े भक्त साहब, परंतु आपसे प्रेम हो गया, बड़ा ही थोड़ी लगन हो गई बालाजी, क्योंकि सारा श्रेय आपने हनुमान जी को दिया है। बालाजी मेरे हनुमान जी को जो है हनुमान जी कुछ क्या है एक लाइन बोलूं कि यार अच्छा जल्दी लाओ क्योंकि बहुत परेशान है ना। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म सुदशरथ अजीर बिहारीरा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रघुकुल रीत सदा गुरु जी। एक बहुत छोटा सा मैंने आपके लिए मेरे नाम रखा है मैंने आपका, बड़े सुंदर हुआ, बड़े प्रिय हो मिस्टर यूनिवर्स पूरे विश्व में जो सबसे सुंदर हो, पूरे ब्रह्मांड में आज ही लिखा है, आज ही बना हनुमान जी का चित्र है आज ही बना है। अच्छा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी बहुत आना चाह रहे हैं, ये आपका बनाया है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उन्नीसा स्केच कहते हैं, स्केच दादा गुरु जी का एवं माला जी बागेश्वर बहुत अच्छे बनाए। हाँ जी पूछिए क्या प्रश्न है। आप पहले तो हजार वर्ष जियो सनातन की नहीं बात कर रहे हो, हजार वर्ष जियो सनातन। हमने लिखा ऐसा, आप अपने पर्चे में सात बातें सात प्रश्न स्टार लगाकर लिख कर आए, भ्रम से नहीं लिखा, आपने स्टार बनाए हैं, स्टार बना करके सात बातें लिखी है, नंबर लिखकर नहीं स्टार लगा करके आपने सात बातें लिखी है, दिखाइए क्या नाम स्टार लगा कर। आर्थिक तंगी, संतान की रुकावट, घर में उपद्रव, जीवन भर वाजे से बालाजी से जुड़ना चाहते, व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी पत्नी पर कृपा होगी, वाह श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनिद्रा भी दूर हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। या बात एकदम सही है जी, तुम्हारे को ब्याह नहीं बुढ़ा, बहुत बुढ़ापे में जीवन बड़ा परेशान, मतलब बड़ा बस नहीं रहा है, बड़ा आनंद रहा है। हनुमान जी ने पटक पटक कर हनुमान जी दया करेंगे, धान की पेशी करो मंगलवार आया, हाँ और लगातार करो, बिजनेस चलेगा। और एक उपाय हमने इसमें लिख दिया, कोई भूत बाधा नहीं है, परंतु पितरों का जरूर कारण है, पितरों के कारण उपद्रव मच रहा है, बागेश्वर हनुमान जी की दया से जो है आपको
तनाव और अनिद्रा है जी, अनिद्रा में भी लाभ होगा जी। साथ ही पितर हमने ये दो निकाल करके रख दिए हैं, दो पितर घूम रहे हैं, दोनों पितर रुकावट बनाए हैं मंगल कार्य में भी, आपके विवाह में भी इन्हीं ने रुकावट बनाई। अब दोनों में आपस में अनबन भी हो जाती है और कलेश, अनबन कहते हैं कलेश, लड़ाई, दो में खींचातानी हो गया। आगे के पहले भी खींचातानी हो गई थी, जैसे तुम लिख रहे थे खींचातानी हो गई थी। तंत्र का कोई कारण नहीं है, पितरों का कारण है। इनका उपाय आप किसी योग ब्राह्मण से करवा लेना और प्रतिदिन मंत्र का जाप करना, आपके पितर शांत होंगे। दो पितर जो घूम रहे हैं, इन पितरों का उपाय पितृ पक्ष में होगा, पर वर्तमान में सफेद रंग का झंडा लगाने से आपके पितर सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे। सुषुप्ति मतलब शांत हो जाएंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, रुकावट नहीं करेंगे। जो दो जगह आपका रुपया रुक गया है वो भी आपका प्राप्त हो जाएगा, और बिजनेस में भी अभी दो जगह डीलें की आपकी मीटिंग है, जाकर के अभी आपकी बात हुई है, वहां भी होगी। फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो आप, एक जगह फ्रेंचाइजी नादेड़ महाराष्ट्र में जाना चाहते हो, तो महाराष्ट्र में भी आपकी व्यवस्था बन जाएगी। क्या है बोलो, हाँ या ना? हाँ जी, एकदम सही। हाँ जी, जावासीवा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप तो जय जय होने।